नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। बिहार सरकार लगातार बिहार में उद्योग को लेकर अग्रसर रही है। ऐसे में एक बार फिर से उद्योग के लिए बिहार सरकार ने एक नया अपडेट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नए उद्योग लगाने वालों को अब कराना होगा नए तरीके रजिस्ट्रेशन। बिहार सरकार प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई नई स्कीम लागू करती रही है। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दर में भी छूट देने की बात कहती रही है। ऐसे में बिहार सरकार ने प्रदेश में उद्योग लगाने वाले लोगों के लिए एक नया अपडेट जारी किया है। आपको बता दें कि पहले से चले आ रहे उद्योग आधार का चलन 1 अप्रैल से बंद हो चुका है। अब इसकी जगह पर उद्यम रजिस्ट्रेशन आ गया है। अब नए और पुराने दोनों ही उद्योगों को उद्यम रजिस्ट्रेशन में अब रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आपको बता दें कि बिहार में 31 दिसंबर 2020 तक 37,973 उद्योगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन यह आंकड़ा उद्योगों की दृष्टि से बहुत ही कम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार में 8 लाख से अधिक लोगों ने उद्योग आधार में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। आपको बता दें कि उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको जीएसटी और पैन कार्ड भी देना ही होगा, लेकिन इस बार नए नियम में यह बदलाव किया गया है कि 40 लाख रुपए सालाना टर्नओवर वाले उद्यमों के लिए जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य नहीं है। सारे नियम एमएसएमईएस को भी उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ना कि उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। उद्योग आधार अब बंद हो चुका है, इसके फलस्वरूप उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। चलिए उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरी जानकारी अब हम बताते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें उसके लिए आधार नंबर चाहिए, पैन कार्ड नंबर चाहिए, जीएसटी से संबंधित जानकारी चाहिए, बैंक अकाउंट से संबंधित भी जानकारी चाहिए। किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ेगा। अब जो है नए तरह के जो उद्यम रजिस्ट्रेशन आया है, इसके लिए जिनके पास उद्योग आधार मेमोरेंडम पहले से है, उन्हें फिर से उद्यम पोर्टल रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन पर कैसे करें ऑनलाइन आवेदन? जब आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाएंगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक तो नए उद्यमों के लिए और दूसरा जिन्होंने अभी तक एमईएमएस के रूप में पंजीकृत नहीं किया है उनके लिए। इसके साथ ही आप अपना रजिस्ट्रेशन पुनः भी करा सकते हैं। जिन लोगों के पास पहले से EM11 या फिर UAM के रूप में पंजीकरण है, ये भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इन दोनों ऑप्शनों में आप जिस कैटेगरी में अपने आप को रखते हैं उसमें आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को चुनेंगे, उसके बाद आप उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो स्टेप 1, सबसे पहले आप udyamregistration.gov.in पर जाएंगे, जहां जाने के बाद आपको फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड एट एज एमईएमएस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन उद्यम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। अब आप अपना 12 अंक का आधार नंबर उद्यमी के नाम से भरेंगे। डिटेल भरे जाने के बाद से वैलिड जनरेशन यानी कि ओटीपी आपके पास आएगा। उस ओटीपी को आप जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो आपका आधार कार्ड का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे आएगा। इसके बाद अब हम स्टेप 3 पे आएंगे। तो इसमें है क्या कि आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और ध्यान से ओटीपी को जो है हम उस फॉर्म में फिल करेंगे। जब हम उस फॉर्म में फिल करेंगे तो हमारे सामने जो है वो पूरा फॉर्म खुल जाएगा। इसके बाद आपको अपना टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आप किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं, यानी कि आप किस तरह की कंपनी जो है बनाना चाहते हैं, उसको वहां पे आप फिल करेंगे। इसके बाद आप अपना पैन नंबर वहां पे डालेंगे। इसके बाद आप धीरे धीरे जैसे जैसे जिस जिस तरह की प्रक्रियाएं उसे गुजरने की बात उस स्टेप बाय स्टेप में कहा जाएगा, आप उन सारे फॉर्म को जब हम फिल करेंगे तब जो है आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको दिया जाएगा। और वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपको मिलेगा तो वहां पे डाउनलोड का भी ऑप्शन आएगा, आप उसे बिना शुल्क आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार में अब तक कुल 37,937 यूनिटों के रजिस्ट्रेशन में माइक्रो श्रेणी में 35,365 लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाया है। स्मॉल श्रेणी के जो बिजनेस हैं उसमें 534 लोगों ने, और मीडियम श्रेणी के जो रजिस्ट्रेशन हैं जो बिजनेस हैं उसमें जो है 74 यूनिट के लोगों ने जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहीं अगर हम देश की बात कर लें तो देश में अब तक 13,74,000
49 लाख यूनिटों में जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ऐसे में बिहार में जो है अब तक मात्र 37,937 लोगों ने जो है अपने बिजनेस को लेकर रजिस्ट्रेशन करवाया है। लेकिन आधार रजिस्ट्रेशन की बात जो कही गई थी, पहले से जो आधार रजिस्ट्रेशन की बात जो कही गई थी, उसमें जो है 8 लाख से ज्यादा लोगों ने जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो ऐसे में बिहार सरकार चाहती है कि जितने ज्यादा संख्या में लोग आकर बिहार में उद्योग करना चाहें, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें, उसके लिए उन्होंने एक नया पोर्टल बनाया है उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो बिहार के लोगों से यह निवेदन करते हुए बिहार सरकार ने कहा है कि आप जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन पर आएं और अपने बिजनेस का जो है एक मेमोरेंडम हमें तैयार करके दें, ताकि हम आपको और भी सुविधाएं बिहार में उद्योग लगाने के लिए दे सकें। तो ये थे बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए। बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।